बोंजूर, सलाम, नमस्ते। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं उनको बता दूं कि मेरा ईमेल है franseek@gmail.com। आप मुझे फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ। आज का टॉपिक मैंने कोई स्पेशल टॉपिक लिया है एक व्यूअर की रिक्वेस्ट पे, लुक ऑफ ह्यूमा, जो ह्यूमन बॉडी है। आप में से काफ़ी हैं, सब सबकी बात नहीं कर रही, कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जिनको मेडिकल प्रॉब्लम है, सेहत की, हेल्थ की प्रॉब्लम है, कुछ वोकेबुलरी के वर्ड्स उनको पता है और कुछ उनको नहीं पता। तो इसलिए मैंने आज कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स चुने हैं जिनसे आपको जो डाउट होता है, जिन चीज़ों के बारे में नहीं पता, उससे आपकी हेल्प हो और आप अपनी प्रॉब्लम डॉक्टर को सही तरीके से बता सकें। मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप सब मेरी वीडियो देखें अगर आपको प्रॉब्लम नहीं भी है फिर भी, क्योंकि आज आपको बहुत से वोकेबलरी के नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। आपको खुद ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई बात नहीं, लेकिन वर्ड्स का पता होना बहुत ज़रूरी है अगर आप फ्रेंच अच्छी सीखना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब अपनी लैंग्वेज में हम एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं गर्दन, और एक होता है गला। तो गर्दन और गले को फ्रेंच में क्या कहते हैं? तो पहला वर्ड है लुकू, जो गर्दन होती है, ये गर्दन का आगे और पीछे वाला सारा हिस्सा, ये हमारी गर्दन है, इसको हम कहते हैं लुकू, लुकू। उसके बाद आता है हमारा गला, अंदर से जो आगे वाला होता है उसको कहते हैं गॉर्ज, ला गॉर्ज, ला गॉर्ज। और जो पीछे वाला हिस्सा होता है, क्योंकि आगे तो गर्दन है, सॉरी ये सारी गर्दन है, आगे गला है, और ये पीछे वाला जो हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं ला न्यूक, ला न्यूक, 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 न्यूक। मैं दोबारा से रिपीट इसलिए प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ कि वर्ड्स हमने कम सुने हैं और बोलने में थोड़े से क्योंकि आदत नहीं है तो इसलिए डिफ़िकल्ट लगता है। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, ल कू, कू मतलब गर्दन, ला गॉर्ज, गॉर्ज मतलब गला, ला न्यूक, ये जो पीछे वाला हिस्सा है ये, इसको ला न्यूक कहते हैं। और ये कुछ और वर्ड्स मैं आपको बताऊं, अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं, ये जो है हमारा, इसको पंजाबी में मोड़ा कहते हैं, आई थिंक हिंदी और उर्दू में भी यही कहते हैं, ये हमारा मोड़ा होता है और ये हमारी बाजू होती है, और ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये सारी मसल्स हैं। अब इनको फ्रेंच में कैसे कहेंगे? जो हमारा मोड़ा होता है शोल्डर, इसको कहते हैं, क्योंकि एक नहीं है दो होते हैं, तो इनका इनको ले लगाते हैं इनके आगे, ले जेपल, क्योंकि यहाँ पे वॉयल है तो इसको एक साथ पढ़ा जाएगा तो जेड की तरह सुनाई देगा, ले जेपल, ले जेपल, ले जेपल। उसके बाद क्योंकि दो बाजू हैं, ले भा, ले भा। जो मसल्स हैं सेम तरीके से लिखा जाता है, बस बोलने में थोड़ा सा फर्क है, ले म्यूस्कल, ले म्यूस्कल। और ले वेन, वेन क्या होता है? जो नसें होती हैं बॉडी में कहीं भी हो, नसें जो हमारी होती हैं उसको वेन कहते हैं, वेन। अगर आपको याद नहीं आ रहा नसों को क्या कहते हैं, तो आपने कार, टैक्सी, वैन, वैन चीज़, आपको ये वाला वर्ड याद रखना है, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में सोचना है, तो ले वेन, क्योंकि एक वेन नहीं है बॉडी में, ढेर सारी नसें हैं, तो ले वेन। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, आप एक हिस्सा देख रहे हैं, ये तो मैंने राइट साइड का आपको बता दिया है जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो लेफ्ट साइड के हैं ये जो है ये हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, ये आप सबको पता है। रीढ़ की हड्डियों के तीन तीन पार्ट्स होते हैं, ये जो होता है ये गर्दन के पीछे होता है, ये जो है ये हमारा पीठ वाला हिस्सा है, और ये थोड़ा नीचे कमर के पास बैक साइड पे। तो इनको भी नाम होते हैं। सबसे पहले जो ये हमारा जो रीढ़ की हड्डी वाला पूरी जो हड्डियाँ है ये, इसको फ्रेंच में ला कोलन, कोलन, क्योंकि पूरा एक कोलन बन रहा है, वेर्टेब्राल कहा जाता है। अगर आपको ला कोलन वेर्टेब्राल लंबा लग रहा है तो आप लो हाशी भी कह सकते हैं, लो हाशी, लो हाशी। उसके बाद ये जो हड्डियाँ हैं ना एक एक करके ढेर सारी हैं, इनको कहते हैं वेर्टेब्रा, वेर्टेब्रा मतलब हड्डियाँ, ले वेर्टेब्रा, क्योंकि एक नहीं है तो ले वेर्टेब्रा। और जैसे कि मैंने आपको बताया है तीन जगहों पे ज़्यादातर होती हैं, मतलब ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो एक होती हैं ले
दोसल दो दो जो आपकी होती है वो आपकी पीठ होती है। तो जब हम ले दोसल की बात करते हैं तो हम ये वाली जो हड्डियां हैं इन सब की बात करते हैं। उसके बाद आती है लोम बैर, लोम बैर, लोम बैर, जो ये वाली हड्डियां हैं ये लोम बैर है। और जो एंड में है सर्विकल, जब हम सर्विकल की बात करते हैं तो हम ये वाली हड्डियों की बात करते हैं। और अगर आपको यहाँ पे पेन है तो आप सर्विकल बोलेंगे, सर्विकल पे आपको पेन है। अगर आपको इस जगह पे पेन है तो आपको दोसाल में पेन है, आपकी जो वेर्तेब्रा दोसाल है वहाँ पे आपको दर्द होती है। और अगर आपको दर्द यहाँ पे नीचे होती है तो आपको जो वेर्तेब्रा लोम्बेर है वहाँ पे दर्द होती है। अगर आपको बोलना है कि मुझे दर्द होती है, सबसे आसान सर तरीका, जब आपको दर्द होती है तो आप बोलते हैं जे माल, जे माल। कहाँ पे दर्द हो रही है आपको, जहाँ पे दर्द हो रही है आप अपनी लैंग्वेज में बता सकते हैं फ्रेंच में। अगर आपको वोकेबुलरी पता होगी तो आप सेंटेंस बना लेंगे, तो वोकेबुलरी सीख लें। जे माल आ ला नुक, इसका मतलब ये है कि जो गर्दन का पीछे वाला हिस्सा है वहाँ पे मुझे दर्द हो रही है। जे माल ओ जेपल, तो इसका मतलब मुझे शोल्डर्स पे दर्द हो रही है, जो मोड़े होते हैं। जे माल, मुझे दर्द है। ओ वेन, वेन मतलब नसें, जू ब्रा, जो मेरी बाजू की नसें हैं मुझे वहाँ पे दर्द हो रही है। जे माल ओ वेन जू ब्रा। और अगर आप कहते हैं जे माल ओ सर्विकल, इसका मतलब जो गर्दन के पीछे वाली हड्डियाँ हैं वहाँ पे आपको दर्द हो रही है। अगर आपको नसों में दर्द हो रही है जे माल भी बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं जे, अगर आपको और अच्छी थोड़ी फ्रेंच सीखनी है, डूलर मतलब दर्द होता है, डूलर, जे दे डूलर वेनेज, मेरी नसों में दर्द होता है, जे दे डूलर वेनेज। और अगर आपको थकावट फील होती है तो उसको बोला जाएगा जे मे सेंस फेबल, फेबल मतलब कमजोर, जे मे सेंस, मैं अपने आप को कमजोर फील करता हूँ, जे मे सेंस फेबल, या आप ये भी कह सकते हैं मैं बहुत जल्दी थक जाता हूँ या थक जाती हूँ, जे मे फैचीग, क्योंकि मैं थकती हूँ तो जे मे फैचीग, जे से शुरू होगा आपका सेंटेंस, ट्रे वीट बहुत जल्दी, ट्रे वीट या थ्रू वीट। और अगर आप कांपते हैं, आपको कांपा छिड़ता है अगर, तो आप उसे बोल सकते हैं जे थ्रॉम्बल, थ्रॉम्बले होना मतलब कांपना, आपकी बॉडी कांप जाती है क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो थ्रॉम्बले करना होता है, थ्रॉम्बले मतलब कांपना, जे थ्रॉम्बल, थ्रॉम्बल पार्डन, सुवां, ज़्यादातर होता रहता है मेरे साथ। अब मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ए वू और आप, ऊ एस्को वूज अवे माल, आपको कहाँ पे दर्द होती है? आप ये भी बोल सकते हैं मुझे कहीं भी दर्द नहीं होती, तो ये कैसे लिखेंगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे खुशी होगी। और अगर आपको कहीं पे दर्द है तो अब आप सेंटेंस बना सकते हैं ये वीडियो सुनने के बाद कि आपको कहाँ पे दर्द है। आई होप कि आज की वीडियो से आपने बहुत वोकैबुलरी के वर्ड सीखे होंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।